हेलो एवरीवन, आई एम आकृति. मैं पेशे से रेडियो जॉकी हूँ, उसके साथ साथ आई एम एन एंकर. आई एम बेसिकली फ्रॉम देहरादून और आज का वेबिनार मैं कंडक्ट करा रही हूँ. और आज मेरे साथ में बहुत कमाल की गेस्ट है और ये पेशे से गायनाकोलॉजिस्ट भी है और फर्टिलिटी एक्सपर्ट भी है. शी हैज हर ओन हॉस्पिटल इन देहरादून, उसके साथ साथ लेजर टेक्नोलॉजी उत्तराखंड में इन्होंने इंट्रोड्यूस की है फीमेल्स के लिए. एंड इट्स वेरी वेरी कमेंडेबल टू टॉक टू हर राइट नाउ. हमारे साथ है डॉक्टर विदुषी जैन. विदुषी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत आज के हमारे इस वेबिनार में. Thank you so much, Akriti. Thank you for inviting me on this platform, first of all. And hello. And how is everyone? How are our viewers? Thank you so much for having this good interactive session on major health issues being faced by women today. जी, तो मैं इस वेबिनार की शुरुआत करती हूँ. सबसे पहले जितने लोग भी जुड़े हैं उनका बहुत बहुत वेलकम, स्वागत. बेसिकली आज के वेबिनार में हम बात करने वाले हैं अबाउट हेल्थ इश्यूज फेस्ड बाय मॉडर्न वेमेन. एज इन लाइक आई एम ऑल्सो अ वर्किंग पर्सन. जब औरतें स्पेशली काम करने लग जाती हैं सो बहुत बार ऐसा होता है कि वो सबका ध्यान रखती हैं, प्रोफेशनली चीज़ों का ध्यान रखती हैं, अपने घर में सबका ध्यान रखती हैं. बट इन सब चीज़ों में एक इंसान रह जाता है जिसका वो ध्यान ठीक से नहीं रख पाती है. एंड अनफॉर्चुनेटली वेरी इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट. एंड बिकॉज आई नो दैट मैंने अपनी मदर को करते हुए देखा एंड दैट्स वॉट Unfortunately, I also do, yes. कि मैं अपनी हेल्थ उतना नहीं ध्यान रख पाती. तो आज हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट विदुषी मैम है. तो सबसे पहले तो मैं मैम से ये जानना चाहूंगी मैम कि हाउ ऑफन यू हैव सीन विमेन, मतलब अपनी खुद की ही हेल्थ को नजरअंदाज करते हुए आपने कितना देखा है और आपको क्यों लगता है कि मतलब अपनी हेल्थ का औरतों को स्पेशली, मर्दों से भी ज्यादा औरतों को खास ध्यान रखना चाहिए. Nowadays, आजकल हम देख रहे हैं जो हमारी नॉर्मल गायनी प्रैक्टिस है उसमें मैं हर एज की लेडी देखती हूँ, छोटी यंग एडोल्सेंट लड़की से लेकर एल्डरली लेडी तक. और एक चीज कंसिस्टेंट ये होती है कि जो लेडीज हैं, जो गर्ल्स हैं, वो अपनी खुद की हेल्थ प्रॉब्लम सबसे ज्यादा इग्नोर करती हैं. आई नो, या एंड nowadays बिकॉज ऑफ द वर्क, जो हमारा वर्क कल्चर हो गया है एंड लाइक वी आर रनिंग इन द रेस फॉर सक्सेस फॉर प्रोफेशन, उस रेस में समहाउ हम अपने को ही भूल गए. जो अंदर की हमारी प्रॉब्लम्स हैं हम उनको भूल गए और इस बीच में हम ये भी भूल गए कि हमें क्या क्या बातों का अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें इन सब चीजों से क्या क्या दिक्कतें हो सकती है. हमारा जो लाइफस्टाइल बदल रहा है आजकल, जितनी रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं उसी रफ्तार से हम हेल्थ वाइज पीछे भी आ रहे हैं. बिल्कुल. तो हमें इन सब चीजों को हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीजों का ज्ञान होना चाहिए. तो मैम कौन सी, जैसे मतलब क्या इज दिस ट्रू, अगर क्योंकि जितना चीज मैंने पढ़ी हुई है, मैं मतलब ये चीज कहने में आती है, सुनने में आती है और पढ़ने में आती है कि आजकल जो मॉडर्न वेमेन है वो ज्यादा हेल्थ इश्यूज फेस कर रही हैं, वो पीसीओडी, वो पीसीएस हो, पीसीओएस हो. आज की जो लड़कियां हैं वो पहले की औरतों से ज्यादा इन सब चीजों से जूझ रही है. इज इट ट्रू एंड व्हाट डू यू थिंक द रीजन बिहाइंड इट? इट इज सैडली वेरी ट्रू. We are seeing nowadays that India has become a, it has become a diabetes center. Like it, it has become a diabetes center. And plus, a new age epidemic is here, which is actually known as polycystic ovarian syndrome, PCOD or PCOS, as you've mentioned. जी. Seeing that this is a new epidemic. Epidemic का मतलब होता है ऐसी बीमारी जो बहुत रफ्तार से फैल रही है किसी एक particular area में. And it has actually become a pandemic, if you see. Everywhere, ये जो प्रॉब्लम है एवरी डे जो हम ओपीडी में देखते हैं. सो एवरी डे नाउ लेडीज आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस एंड दिस वाज नॉट द सिचुएशन 20 इयर्स बैक. इफ यू गो बैक 20 और 30 इयर्स बैक, दिस वाज नॉट द सिचुएशन. तब हमारा लाइफस्टाइल अलग था, हमारी प्रायोरिटीज अलग थी, हमारा खान पान हर चीज अलग था. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट? क्या सबसे बड़ा रीजन है? फर्स्टली इफ यू टॉक अबाउट, अगर हम हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस जो है उस, इट्स अ वेरी वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस, है ना. और हार्मोन जो होते हैं हमारे, दे आर अफेक्टेड बाय वेरियस थिंग्स. लाइक सबसे जरूरी है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, हमारा एक्टिविटी. हम कितने सीडेंटरी लाइफस्टाइल कर रहे हैं या हमारी एक्टिव लाइफस्टाइल है, वी आर एक्सरसाइजिंग, हम खा क्या रहे हैं, हमारी डाइट कैसी है एंड हमारा स्ट्रेस लेवल कितना है. Nowadays, we are seeing that there are problems arising due to the night and day
डायनल वेरिएशन जो हमारा होता है नॉर्मल, दैट इज गेटिंग डिस्टर्ब ड्यू टू स्लीप डिस्टर्बेंसेज. जो एमएनसीज में लोग काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग एट नाइट, पीपल हु आर डूइंग नाइट ड्यूटीज, इवन डॉक्टर्स हु आर डूइंग नाइट ड्यूटीज कंटिन्यूअसली. सो इन सब में क्या होता है, जो हमारी ऐसी जॉब्स हैं उसमें व्हेन वी कीप वेकिंग अप एट नाइट एंड स्लीपिंग इन द डे टाइम, हमारा पूरा जो हार्मोनल क्लॉक है इट इज गेटिंग डिस्टर्ब. And because of that sleep disturbance, the whole system is getting disturbed and hormonal imbalances are there. If we see, like broadly, if we see the classification of various hormonal imbalances, the most common nowadays is polycystic ovarian syndrome. Then we have various thyroid disorders, which are very common nowadays. Then we have hyperprolactinemia. These are various disorders because of which ladies are suffering from starting from menstrual problems, se leke infertility, various cancers, and so on. So all these are important factors for causing hormonal imbalance. Jo maine bataya lifestyle, jo hamara modification ho gaya hai. Plus, yes, there is also a definite role of genetics. There are few genetic components also which play a big role. Like we are saying that India has become a diabetes capital. Why? Because nowadays most of us are carrying the gene for insulin resistance in India. Okay. And sadly, the same problem, the main pathogenesis behind polycystic ovaries, also insulin resistance. So, jin logo ko genetic ek predisposition hai, maan lijiye hamare mummy papa, hamari sister bua, in logon ko diabetes rahi hai, ya un logon ko polycystic ovaries rahi hai, to hamare andar ek gene hai insulin resistance ka, jo tab activate hota hai jab hamara lifestyle disturb ho jata hai. Carrying these all genes from our parents and our grandparents, but इट्स नॉट ऑलवेज कि ये स्टिमुलेट हो जाए. मतलब ऐसा नहीं है कि हर इंसान को जिसको ये जीन है उसको डायबिटीज हो जाएगी या उसको पीसीओडी हो जाएगा. लेकिन जब जब हमारा लाइफ स्टाइल गड़बड़ होगा, हम अपने आप को इग्नोर करेंगे, अपने हेल्थ इग्नोर करेंगे, तब डिजीजेस स्पार्क होते हैं, तब ये स्टिमुलेट होते हैं, एंड देन बिकॉज ऑफ द जेनेटिक कॉम्पोनेंट दे स्टार्ट. ओके, तो मैम अगर हम, जैसे आपने बताया कि ऑब्वियसली ये लाइफस्टाइल की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होता है, अगर हम एक एक करके बात करें इनके बारे में, तो मैम पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी डिटेल्ड इन अ वे. लाइक ये बहुत कॉमन है, मतलब मैंने बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स को देखा हुआ है कि इट्स वेरी, आजकल तो मतलब इतना नॉर्मल है कि मैं मेरी हर दूसरी तीसरी जो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है वो मतलब दे कीप टॉकिंग अबाउट कि नहीं मतलब इससे बात की तो उसके भी ये इशू है, दूसरे से बात की दूसरे का भी इशू है. अक्सर ऐसा है कि अभी कोविड के बारे में तो हर कोई बात कर रहा है बिकॉज इतना ज्यादा हो गया है, बट पीसीओडी पीसीओएस जो इतना कॉमन है और इतना मेजर इशू है, मतलब रेयरली मैंने देखा है कि मतलब इसके बारे में और इसको कैसे खत्म करके आगे बढ़ सकते हैं या मतलब कैसे इससे हट सकते हैं या खुद को उभार सकते हैं, रेयरली आई हैव सीन पीपल टॉकिंग अबाउट इट. So PCOS or I know from your side, very good, because we should be talking about these health issues, and these health issues are being faced from right from puberty. As soon as they turn 12, even 10, nowadays periods are starting at 10 years of age. From then the hormonal problems they start, and till the age of 60 or maybe actually menopause age is 51. If we only talk about hormonal problems, then even till that time, the ladies are suffering from these problems. So definitely we need to talk about them. सबसे पहले हम बात करेंगे PCOD या PCOS. Actually देखा जाए तो PCOD और PCOS एक ही चीज है. मैम सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को ये बता दीजिए कि PCOD और PCOS होता क्या है, क्या सिम्टम्स है? PCOD या PCOS actually एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है. इसको पहले हम पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहा करते थे, लेकिन अब हम इसको डिजीज नहीं कहते, हम इसको सिंड्रोम कहते हैं, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पीसीओएस, इसलिए क्योंकि एक तरीके का ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है. ये हमारे पूरे शरीर को ऊपर से लेके फ्रॉम टिप टू टो हमें असर करता है. इफ वी सी ये ऐसे क्या सिम्टम्स हैं या ऐसे क्या चीजें हैं जिससे आपको पता चले कि हाँ हो सकता है कि मुझे पीसीओएस हो रहा है, तो सर्टन सिम्टम्स हैं जो आपको पता होना चाहिए. इसमें मोस्ट कॉमन जो हम प्रॉब्लम देखते हैं वो होती है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी. सबसे पहली प्रॉब्लम है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, मतलब कि पीरियड्स का इरेगुलर होना. कुछ लेडीज को इरेगुलरिटी शुरू ऐसे होती है कि जैसे आपकी डेट से कुछ दिन ऊपर होना, ग्रेजुअली वो बढ़ते बढ़ते एक महीना ऊपर, दो तीन, ऐसे भी बच्चे आती है हमारे पास जिनको एक एक दो दो साल से पीरियड ही नहीं हो रहा. नहीं हुआ, I know. Menstrual irregularities. So the timing is irregular. Then the second thing is how much is the bleed. Sometimes the bleeding becomes very scanty.
इट शुड बी अ रेगुलर ब्लीड फॉर 4 to 5 डेज, एवरेज फ्लो 50 ml पर डे, बट उसमें क्या होता है कि बहुत कम हो जाता है, स्कैंटी फ्लो हो जाता है. इन द अदर देयर आर फ्यू जिसमें बहुत हैवी ब्लीडिंग भी होता है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. पॉलीसिस्टिक ओवरीज में कभी कभी पीरियड आता ही नहीं है टाइम पे. जब 2-3 महीने स्किप करके पीरियड आता है तो इतना हैवी आता है दैट द गर्ल कीप्स ब्लीडिंग फॉर 15 to 20 डेज कंटिन्यूअसली. हैवी फ्लो 4 to 5 पैड्स पर डे, सिवियर वीकनेस. आप सोचो कितना ब्लड लॉस होगा ऐसी लड़की को. तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है सो यू मे बी सफरिंग फ्रॉम हार्मोनल इम्बैलेंस. सो वन इज मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम. सेकेंड, देर आर चेंजेस इन द हेयर एंड स्किन. वी सी देर इज अ हेयर फॉल. नॉर्मल नेचुरल जगहों पे जहां बाल होने चाहिए जैसे स्कैल्प हेयर, थिनिंग ऑफ द स्कैल्प हेयर एंड प्लस देर इज अ डेंसिटी डिक्रीजेस. तो हम देखते हैं कि बाल झड़ रहे हैं हमारे बहुत तेजी से. प्लस हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे और जगह पे जहां बाल नहीं होने चाहिए जैसे कि चिन, नेक, अंडर द नेक, चिन, अपर लिप्स, इवन द साइड बर्न्स, ये सब एरियाज एंड इवन इवन द स्टमक एरियोला, निपल्स के अराउंड, ऑल दीज एरियाज आर वेयर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ स्टार्ट्स अकरिंग. एंड स्पेशली इफ वी सी द फेशियल हेयर, इट्स अ टिपिकल कोर्स थिक हेयर. नॉर्मल जो हल्का रुआ आता है वो नहीं, कोर्स थिक हेयर यहाँ शुरू हो जाते हैं. सो दैट हेयर. थर्ड इज स्किन चेंजेस. स्किन चेंजेस में हम देखते हैं कि सिबोरिया भी हो जाता है लोगों को, मतलब कि डैंड्रफ. हम देखते हैं एक तरीके का डैंड्रफ शुरू हो जाता है जो बालों से शुरू होता है, आईब्राउज पे आता है, इवन पूरी बॉडी में एक्ने हो जाते हैं. टू मच पिंपल्स, आपने देखा होगा जो हार्मोन्स तो वी ऑब्जर्व पिंपल्स फोर हेड, ये जो ऑयल वाला हमारा टी जोन है, काफी पिंपल्स आते हैं, गर्ल्स का पूरा चेहरा भर जाता है, या बार बार पिंपल्स की वजह से यू स्टार्ट हैविंग द स्कार्स व्हिच कीप शोइंग ऑन योर फेस ऑल द टाइम. सो दीज आर चेंजेस ऑफ द स्किन बिकॉज ऑफ पीसीओएस. देन देयर इज अ प्रॉब्लम नोन एज एकांथोसिस माइग्रेंस. उसमें क्या होता है कि स्किन डार्कनिंग हो जाती है. तो अगर आप देखें, अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन चेंज हो रही है, आपके नेक में जो लाइन्स हैं वो डार्क हो रही हैं, पर्पलिश डार्क हो रही हैं, आपके पेट में जो स्ट्रेच मार्क्स हो रहे हैं वो डार्क पर्पलिश या रेडिश हो रहे हैं, दीज आर ऑल स्किन चेंजेस. एंड देन अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू विच आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉलीसिस्टिक गर्ल्स आर फेलिंग फेसिंग सॉरी इज वेट गेन. एक्सेसिव गेन इन वेट विच इज अनकंट्रोल्ड. जो गर्ल्स है, द पर्सन हु सफरिंग फ्रॉम पीसीओ, वो बेचारा अपनी डाइट कंट्रोल कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, फिर भी उसका वेट नहीं जा रहा है. प्लस वेट एक बार बढ़ गया, स्टैटिक हो गया, कितनी एक्सरसाइज या डाइट कंट्रोल करने के बाद भी उसका डिक्रीज नहीं हो रहा है. These are signs that the weight gain is not normal. It is because of some hormonal problem. And polycystic ovary syndrome is one of the important causes of obesity. But there is another category of PCO. If you look at your friends, if you categorize the ladies, you will see that some of the PCOs are very obese. They are healthy. But some are very lean. Ultra lean. Yes, so there's a lean PCO and there is a obese PCO. Obese ka matlab, jo girls ka weight gain ho chuka hai. और लीन पीसीओ है बहुत पतली लड़कियां. और अगर हम देखें तो पतली लड़की का जो पीसीओ है, लीन पीसीओ इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट फॉर अस. यस, सो वो रेजिस्टेंट टाइप का पीसीओ होता है. सो एक बॉडी टाइप में दो बॉडी टाइप्स हैं जिसमें हम पीसीओएस देखते हैं. तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो हम देखते हैं कि हाँ, अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम हो रहा है, यस यू मे बी फेसिंग फ्रॉम सम हार्मोनल प्रॉब्लम. देन दिस इज यूजुअली अनमैरिड गर्ल्स दैट वी सी द प्रॉब्लम्स. Now, when we come to the married people, उसमें क्या होता है? Apart from these menstrual irregularities, they also have problems in conceiving sometimes. You must have seen. So, polycystic ovaries is also associated with infertility sometimes. Not always, depends. It is mild, moderate to severe. But yes, आगे चल के, because periods are not happening, ovulation is not regular in these girls. And so, therefore, conceiving also becomes delayed. Okay. Yeah. So, they should definitely... seek help in such cases. तो मैं यहाँ पर ये जरूर ऐड कर दूं कि अगर ये जो मैम ने बताए PCOS और PCOD के symptoms बताए, अगर आपको भी या आपके फ्रेंड्स को या आपकी सिस्टर को, मदर को या आपको खुद को ऐसे सिम्टम अगर लग रहे हैं या आपको लग रहा है कि हाँ यार मुझे ऐसी सिम्टम्स मेरे साथ भी हो रहा है, तो प्लीज जल्दी से जल्दी जो आपके आस पास गायनेकोलॉजिस्ट है, आप प्लीज उनको उनको कंसल्ट करें और इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें. मैम ये तो बात हुई सिम्टम की, बट क्या पीसीओडी और पीसीओएस को ट्रीट किया जा सकता है? ट्रीट किया जा सकता है, इससे मेरा मतलब है क्या अगर एक लड़की को पीसीओडी है या पीसीओएस है, तो क्या वो जिंदगी भर उस
का इलाज चलता रहेगा, या उसको मेडिसिन खानी पड़ेगी, या उसको प्रिकॉशंस लाइफ टाइम करना पड़ेगा, या फिर वो एक समय में आकर प्रिकॉशन लेने के बाद वो पूरी तरीके से खत्म भी हो सकता है? सी पीसीओएस इज एक्चुअली अ क्रॉनिक इलनेस, प्रॉब्लम है ये. ऐसा कहना गलत रहेगा अगर मैं कहूं कि हमने 3 से 6 महीने का ट्रीटमेंट करा और आप बिल्कुल क्योर हो जाओगे. इट्स यूजली नॉट सो. सैड ट्रूथ बट इट इज ट्रू. नॉर्मली जो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है, ये हमारे एक तरीके की जेनेटिक प्रॉब्लम भी है. इसमें इन्वॉल्व इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो जीन होता है हमारे बॉडी के अंदर, वो बार बार लाइफ में अपने को शो करेगा. तो पॉलिसिस्टिक जिनको है, पीसीओएस जो गर्ल्स हैं, दे विल बी फेसिंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन लाइफ. वेरियस सिम्टम्स कैन बी देयर, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट दैट दे बिकम रेगुलरली फिट. जो अगर अभी हम आएंगे, वील टॉक अबाउट ट्रीटमेंट. अभी हमने इन्वेस्टिगेशन भी बात करनी है, ट्रीटमेंट अभी हम डिस्कस करेंगे. लेकिन अगर वो कंटिन्यूअसली अपने को फिट रखें, लाइफ स्टाइल ठीक रखें, अपनी मॉनिटरिंग करते रहें हार्मोन्स और अदर फैक्टर्स की, तो वो ठीक भी रह सकते हैं. ये तो है कि लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ उनको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा. हम करना पड़ेगा। देखिए कि आप 2 महीने पीसीओ करके आप क्योर हो गए और आपको कभी नहीं होगा ऐसा. तो दिस इज एक्चुअली अ मिथ. सम पीपल दे कम टू मी, वो कहते हैं मुझे कि मैम मुझे ऐसा ऐसा था पीसीओ, समबडी गेव मी सम मेडिसिन और उन्हें कहा कि क्योर हो जाएगा 100%. सो इट्स नॉट ट्रू. अगर दवा देते हैं, दवा हमारा मॉडिफाई करता है जो प्रॉब्लम हो रही है, उसको कंट्रोल करता है. लेकिन अगर हम अपनी तरफ से कुछ काम नहीं करेंगे, अपना लाइफ डाइट को हम नहीं ठीक करेंगे, तो पीसीओडी हमारा पीछा इतनी जल्दी नहीं छोड़ता. नहीं छोड़ेगा। एक्चुअली हैव टू यू नो बी अ बिट ऑन द स्ट्रॉन्ग फुट. वी शुड कीप आवर फुट डाउन एंड गेट आफ्टर इट एंड ट्रीट इट प्रॉपरली. एंड यस, एंड आई रियली वांट टू ऐड दिस हेयर के जितने लोग भी हैं, क्योंकि अक्सर मैम पीसीओडी पीसीओएस जिनको हो, मतलब पता चल जाता है जब डिटेक्ट हो जाता है कि भाई हाँ ठीक है इस लड़की को पीसीओडी है या पीसीओएस है, तो वो बहुत ज्यादा हाइपर होने लग जाते हैं कि अरे मतलब मुझे क्या हो गया, मतलब मैं कैसे करूं। सो प्लीज प्लीज, यहाँ हाइपर होने की जरूरत नहीं। जैसे कि मैम नहीं ने है. कहा, उस चीज को आप मतलब स्लोली स्टेडीली, आप भले ही पूरी तरीके से 100% क्योर ना कर पाओ, लेकिन हाँ आप उसको आप उसके होते हुए भी अपने आप को फिट रख सकते हो, राइट मैम? यस, इट इज नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर. इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी जान को खतरा हो गया या कोई बहुत मेजर अबनॉर्मलिटी हो गई है. दिस इज मेजरली अ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर. तो आज हम सब लोग ये याद रखेंगे कि इसमें ऐसे डरने की बात नहीं है, दिस नहीं है, करेक्ट, स्टाइल डिसऑर्डर. तो अगर हम लाइफ स्टाइल ठीक करते हैं, तो पीसीओडी हमारे मुट्ठी में. मुट्ठी में आएगा। करेक्ट यस करेक्ट करेक्ट मैम, ये तो बात हुई पीसीओडी पीसीओएस की। आपने बीच में जिक्र किया था हार्मोनल इम्बैलेंस, तो यस हार्मोनल इम्बैलेंस, पहली बात तो मैम ये बताइए कि हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब क्या है? मतलब जैसे आपने बीच में ऐड किया था कि हार्मोनल इम्बैलेंस से एक्ने शुरू हो जाते हैं और हेयर्स यस वगैरह आ जाते हैं, और क्या चीजें हैं जब हम कह सकते हैं कि हाँ अच्छा. मतलब मुझे समझ में आ सकता है कि शायद हार्मोनल इम्बैलेंस हो ओके गया है मुझे या हो सो रहा है? राइट राइट सो बेसिकली सी, व्हेन वी डायग्नोस ना, जब हम डायग्नोस करते हैं पीसीओएस, तो एक्चुअली हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होते हैं. उसमें सबसे पहले हम मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी रखते हैं, नंबर 1. रोटरडैम क्राइटेरिया हम कहते हैं उसको. और सेकेंड हमारा आता है बायोकेमिकल मार्कर्स, उसमें हार्मोन्स आते हैं. सो द बैटरी ऑफ टेस्ट विच कैन बी डन फॉर पीसीओएस, एंड उसमें है लाइक वेरियस हार्मोन्स. आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू डिटेल, बट LH, FSH, सीरम एंड्रोजन लेवल्स, टेस्टोस्ट्रॉन, एक तरीका का मेल हार्मोन होता है जो लड़कियों में एक लेवल तक ही होना चाहिए. जब ये मेल हार्मोन बढ़ता है, तब मेल एंड्रोजन वाली जो प्रॉब्लम्स, जैसे हेयर ग्रोथ आना, एक्ने आना, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज जो है ना वो मोटी हो जाती है, मोटी हो जाती, करेक्ट। बढ़ जाता है. यस सो मेल हार्मोन बढ़ना, सीरम एस्ट्रोडियोल कम होना, DHEA एक हार्मोन होता है वो बढ़ना, सीरम इंसुलिन बढ़ना, शुगर फास्टिंग, हम इसमें फास्टिंग ग्लूकोज कराते हैं देखने के लिए कि आपकी ब्लड शुगर तो गड़बड़ नहीं हो रही साथ में. देन द अदर हार्मोन्स विच बी डन इन सच केसेस, एक नया हार्मोन आया है जिसको हम AMH कहते हैं. AMH इज एंटी मुलेरियन हार्मोन. इवन दिस हार्मोन वी आर यूजिंग नाउ डेज टू डायग्नोज दीज केसेस. क्या होता था कि जब हम लोग नॉर्मली वी यूज टू द हार्मोनल प्रोफाइल, तो थोड़ा सा कंबर्सम होता था. मतलब हमें कहना पड़ता था कि यू कम ऑन द सेकेंड और द थर्ड डे ऑफ योर पीरियड, एंड देन वी विल इन्वेस्टिगेट यू, डू द हार्मोनल प्रोफाइल, एंड देन वी विल डायग्नोस यू वेदर यू हैव पीसीओएस और नॉट. बट नॉट नाउ. अब क्या है, वी हैव दिस हार्मोन विच इज नोन एज AMH, एंड दिस कैन बी डन एट एनी डे. एंड अगर इसका जो लेवल है more than 6 रहता है, तो हम लोग उसको पीसीओएस की तरह डायग्नोस करते हैं. अपार्ट फ्रॉम द ब्लड टेस्ट,
we also have a very important test which is known as ultrasound. Okay. Everybody is aware, ultrasound. अल्ट्रासाउंड से भी पीसीओएस का डायग्नोसिस होता है. इसमें हमारी जो ओवरीज होती हैं वो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी कहते हैं हम उसको, पीसीओएम. वो एक मॉर्फोलॉजी है विच कैन बी देयर. तो उसमें क्या होता है कि हम जब अल्ट्रासाउंड देखते हैं तो उसे टिपिकल सिस्टिक पैटर्न, हनी कूम अपेरेंस कहते हैं. जैसे आपने देखा है मधुमक्खी का छत्ता होता है टाइप की एक पैटर्न होता है, या हम कभी कभी उसको नेकलेस अपीयरेंस कहते हैं. जो हमारी ओवरीज के जो एग्स है वो छोटे छोटे सिस्ट में तब्दील होके पूरी ओवरी में नेकलेस अपीयरेंस बना देते हैं. सो दीज आर वेरियस यू नो दीज आर मार्कर्स ऑन अल्ट्रासाउंड विच वी गेट. और अगर हमारे पास हार्मोन गड़बड़ है और हमारे अल्ट्रासाउंड में भी गड़बड़ आ रहा है तो हम पीसीओ हो सकते हैं. हार्मोन लेवल भी गड़बड़ आ रहा है तो डेफिनेटली हमें पीसीओएस है. तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो गया है. हो गया है. अच्छा, ये सब क्राइटेरिया पूरे पूरे होने चाहिए. कभी कभी ऐसा भी होता है कि समटाइम्स सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे दिखता है कि हाँ ऐसा गड़बड़ है, लेकिन जो लेडी है ना उसको कोई हार्मोन की प्रॉब्लम हो रही है, ना उसको कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो रही है, हार्मोन्स भी नॉर्मल है, तो उसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम नहीं कहेंगे. वो सिर्फ पॉलीसिस्टिक मोर्फोलॉजी है अल्ट्रासाउंड पे. तो हो सकता है ये जो गर्ल है आगे चल के फ्यूचर में इसको प्रॉब्लम हो, लेकिन अभी नहीं है. नहीं है. सो टाइमली डायग्नोसिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो वी शुड बी अवेयर अगर हमें ये क्लिनिकली प्रॉब्लम हो रही है तो अपने ये टेस्ट करवाइए, हार्मोनल प्रोफाइल करवाइए और अल्ट्रासाउंड कराइए बेसिक. करेक्ट. अच्छा मैम, आपने बीच में जिक्र किया था कि लाइफस्टाइल सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम ओवरकम करना चाहते हैं पीसीओडी या पीसीओएस. मैम मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने बोला लाइफस्टाइल, सो कितना परसेंट लाइफस्टाइल से पे डिपेंडेंट रहता है और कितना परसेंट मेडिकेशन में? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मतलब वी हैव टू फाइंड अ राइट बैलेंस आल्सो. मतलब ऐसा नहीं कर सकते आपके मतलब आप पूरी तरीके से आप मतलब मेडिकेशन पे हो, आप लाइफस्टाइल तो वही चल रही है आपकी और आप सोच रहे हो कि मेडिकेशन से सब सही हो जाए, या फिर आप मतलब सिर्फ लाइफस्टाइल ही बेहतर कर रहे हो लेकिन मेडिकेशन नहीं ले रहे हो. सो मतलब कितना परसेंट हमें लाइफस्टाइल सही रखनी चाहिए और कितना परसेंट आपके मेडिकेशन का योगदान रहता है पीसीओडी या पीसीओएस ओवरकम करने में या क्योर करने में? ओके, सो बेसिकली अगर हम देखें, सो वी आर टॉकिंग बेसिकली अबाउट द ट्रीटमेंट, राइट? और उसमें फर्स्ट मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट फॉर पीसीओ इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. बिकॉज हम मानते हैं कि अगर किसी को दिक्कत ज्यादा हो रही है तो उस स्टेज पे देखो अ पर्सन कैन बी एसिम्टोमेटिक आल्सो. मतलब कि उसको पीसीओएम है अल्ट्रासाउंड पे लेकिन उसको कोई सिम्टम नहीं है. ओके, अगर कोई है जिसको सिम्टम नहीं है, पीरियड्स रेगुलर है, उसको जीन है डायबिटीज का जीन है, मम्मी पापा या दादी दादी को है, बट राइट नाउ शी हैज नो प्रॉब्लम, अल्ट्रासाउंड कराया तो शी इज डायग्नोस्ड कि यस द ओवरीज आर पॉलीसिस्टिक. सो सच अ पेशेंट कैन बी 100% मैनेज ऑन मेडिकेशन. ओके, 100% मैनेज ऑन लाइफस्टाइल. ओके, लाइफस्टाइल यस, बिकॉज शी हैज नो सिम्टम्स. उसका ओके है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, शी इज फिट. आप समझ रहे हो? तो दिस गर्ल इफ शी हैज अ गुड लाइफस्टाइल, वो अपना फिटनेस एक्सरसाइज अपना वेट कंट्रोल रखे, अपना बीएमआई इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर बीएमआई कंट्रोल रखे, क्या खा रही हैं, ऑर्गेनिक फूड खाएं, कार्बोहाइड्रेट्स कम खाएं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कम खाएं, अगर ये सब वो करते हैं तो इवन सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ही उसका 100% ट्रीटमेंट हो सकता है. अगर सिम्टम्स जिस लड़की के नहीं है तो राइट, उसको पीरियड ही नहीं होता, इतने तीन तीन महीने में पीरियड होता है, एक साल नहीं हो रहा, एक्ने, हेयर ग्रोथ, हिर्सुटिज्म, वेट गेन, ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर देयर, पीरियड्स गड़बड़ है, अगर ऐसी कोई लेडी आएगी देन आई वुड कॉन्ट्रीब्यूट 50-50%. वो गर्ल ऑलरेडी शी इज बिन वर्किंग इन द जिम, शी इज कंट्रोलिंग अर डाइट, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, उसको वेट कम हो ही नहीं रहा है. She's trying hard to control her lifestyle, but उसको कुछ नहीं हो रहा. So, because complete medication या complete lifestyle modification नहीं हुआ, तो हम उसको 50-50 रखेंगे. 50% आपने कर लिया and 50% medication. So, definitely medication has a very good role. आजकल बहुत अच्छे अच्छे medicines हैं market में, which are very good, very less amount of side effects are there. But yes, medication will be required in these girls. ओके ओके मैम. मैम ये तो बात हुई पीसीओडी की, पीसीओएस की. एक बहुत ही बेसिक सवाल जो अक्सर मतलब कहीं ना कहीं हम सब लड़कियों के दिमाग में रहता है, आई रियली वांट टू आस्क दोस थिंग्स विद यू. मैम पहली चीज तो ये कि इज इट ट्रू अगर
लाइक मतलब एक बॉडी इंडेक्स है आपका, राइट? एक बॉडी की आपके कुछ चीजें होती हैं कि भाई उसको चाहिए या ये चीजें, जैसे मेरी आपसे पहले भी एक बार बात हुई थी तो आपने बताया था कि नहीं, इट्स मतलब जब आपकी बॉडी की वो रहती है कि भाई अगर आप मैरिड हैं एंड ऑब्वियसली मतलब एक आपकी एज हो गई है, सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप कंसीव करें. अगर आप नहीं करते हैं तो आपके बॉडी में कुछ इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, एक ये चीज. दूसरी चीज मैम, अगर आपकी बॉडी ऐसी है एंड यू नो यू आर सिंगल एंड यू नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स, सो दोनों चीजें. एक चीज तो मतलब ये कि प्रेगनेंसी के लिए मतलब क्या क्या ये सच है कि अगर हम मतलब मैरिड हैं और एक एज हो गई है 30+ हो गए और आप कंसीव नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये सच है कि बॉडी बॉडी के कुछ इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे, नंबर वन. नंबर टू इज अगर लड़की सिंगल है एंड नॉट ओनली सिंगल है बल्कि वो शी इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स विद एनीवन, तब भी अगर शी इज नॉट यू नो शी इज नॉट लूजिंग हर वर्जिनिटी, तो क्या उसके बाद भी मतलब उसकी वजह से भी क्या उसकी बॉडी में कुछ इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे? ये दोनों चीजों का जवाब मैं आपसे चाहती हूँ. अच्छा, सी फर्स्ट कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका था कि अकॉर्डिंग टू एज डेफिनेटली देर आर चेंजेस इन आवर बॉडी अकॉर्डिंग टू एज, ठीक है, बट दिस इज नॉट 100%. ऐसा नहीं है कि सभी को हर चीज हो जाएगी. यस, जब हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो ये कहती है कि ओके एट अ पर्टिकुलर टाइम, जब हमारी जो फर्टिलिटी है, जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो एक इस तरीके से बना हुआ है दैट वी आर बॉर्न विद अ सर्टन नंबर ऑफ एग्स, एक फिक्स नंबर ऑफ एग्स के साथ हम पैदा होते हैं, तो वो एंट्रल काउंट हम कहते हैं उसको. विद एज ग्रेजुअली इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, डिप्लीट होता है वो हर साल हर साल, और हम देखते हैं कि चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में. ये जो हमारी फर्टिलिटी होती है, इफ यू टॉक अबाउट फर्टिलिटी फर्स्ट, रिड्यूसेस ड्रास्टिकली आफ्टर 35 इयर्स ऑफ एज एंड इट्स अ फैक्ट. ओके, फर्टिलिटी है, यस, फर्टिलिटी रिड्यूसेस, स्टार्ट्स रिड्यूसिंग 35 के बाद. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी है ये. हम 35 के बाद फर्टिलिटी रिड्यूस होती है और ग्रेजुअली 50 के लगभग आते आते मीनोपॉज होता है. ये इससे होता है क्योंकि वी आर बॉर्न विद अ सर्टेन फिक्स नंबर ऑफ एग्स इन आवर बॉडी और ये एग्स डिप्लीट होते हैं. 35 में जब हम आते हैं, हमारी फर्टिलिटी का जो जो पीक है फर्टिलिटी वो होती है 25-35 के बीच में, तो ये पीक है. अगर इस टाइम पे कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो उनको कम प्रॉब्लम होती है. अगर 35 एंड बियॉन्ड कोई लेडी करती है ट्राई फर्टिलिटी के लिए, तो उसको इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनका नेचुरल फर्टिलिटी क्वेश्चन जो है वो कम हो गया है, क्योंकि नॉर्मली जो एग की क्वालिटी और क्वांटिटी है वो कम हो जाती है. तो दिस इज वन थिंग. नाउअडेज वी हैव दिस टेस्ट, मैंने आपको पहले ही बताया था, AMH. AMH इज अ एक्सलेंट टेस्ट विच कैन बी एडवाइस टू ऑल गर्ल्स हु आर वर्किंग, हु आर प्रोफेशनल्स, हु वांट टू डिले देयर मैरिज, हु वांट टू डिले चाइल्ड बर्थ. शादी भी हो गई कोई बात नहीं, आई डोंट वांट टू कंसीव टिल 35 कहते हैं लोग. But you know, sometimes it's important to be aware of what kind of body you have. Yes. Correct. So for that, the good test that everybody should know is known as ovarian reserve. Ovarian reserve testing, AMH, anti-mullerian hormone. एक ये जो test है, AMH. Ovarian, ma'am, ovarian. Ovarian reserve, reserve. Reserve. Eggs बचे हैं आपके basket में. Okay. इस basket है, उसके जो eggs हैं वो खत्म होते रहते हैं every year. So AMH is a test जो आपको बताएगा कि आपकी basket में कितने eggs हैं. So if you are young and even if you are 33, 34 and if your AMH is very good, you still want to delay kids. If your AMH is good, you don't have any other problem. आपको PCOS नहीं है, आपको hormonal problem नहीं है, कोई oral illness नहीं है, you delay. But even at 30 years of age, अगर आप अपना AMH कराते हो, आपको delay करने की सोच रहे हो आप childbirth. But if you see that your AMH is falling, it is falling and coming below 2-1.5 or kam ho raha hai, then I would advise you or your doctor would advise you not to delay further. Got it? So yes. this is an important index. I think everybody should be aware. Aisa nahi ki hum kho gaye apni life mein, suddenly one day we are alive at 35 up, I should start, and then when we see our basket is empty. So bilkul, I want to add this ki see, एक मतलब ऑब्वियसली पेरेंट्स जो है, अगर आप बनना चाहते हैं, आप नहीं प्रिपेयर्ड है, मेंटली एक अलग बात है, लेकिन जैसे कि मैम ने कहा कि व्हाट एवर योर डिसीजन इज, यू शुड बी अवेयर ऑफ इट. यस, आपको पता होना दैट व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन वुड बी गुड फॉर यू इन लाइफ, गुड फॉर यू ऑन और प्रेशर, नो प्रेशर. करेक्ट करेक्ट. ऐसा नहीं है कि मतलब आपकी बॉडी मतलब, क्योंकि दैट्स व्हाट आई आल्सो बिलीव कि अगर आपकी बॉडी तैयार है लेकिन आप मेंटली तैयार नहीं हो तो भी कोई फायदा नहीं. लेकिन यस, यू शुड बी अवेयर, यू शुड बी टोटली इंडिविजुअल चॉइस. द वर्ल्ड हैज प्रोग्रेस सो मच
एंड वुमेन आर नॉट जस्ट कन्फाइंड टू चाइल्ड बेयरिंग, एक हमारा यही ट्रू नहीं ट्रू है सोसाइटी में, वी हैव मल्टीपल रोल्स, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ इट. अनदर थिंग दैट वी वर कमिंग टू इज द अदर डिजीजेस, जैसे हम बोल रहे थे कि अगर अगर एक यूट्रस है जिसमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो यूट्रस कभी कभी आगे चल के ट्यूमर्स बनाने लगता है. वी हैव सीन दैट द नंबर ऑफ फाइब्रॉइड्स, फाइब्रॉइड एक तरीके का ट्यूमर होता है जो यूट्रस में होता है, इट्स यूजली नॉन कैंसरस ट्यूमर. एंड हमने देखा है कि दोज यूट्रसेस विच हैव नेवर गिवन बर्थ, हैव नेवर कंसीव्ड एंड हैव टेकन लॉट ऑफ ट्रीटमेंट फॉर हार्मोनल इम्बैलेंस या इनफर्टिलिटी, उसमें ग्रेजुअली ग्रेजुअली फाइब्रॉइड्स होने लगते हैं. होने लग जाते हैं. इस फाइब्रॉइड्स कैन लीड टू वेरियस प्रॉब्लम सच एज हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, अंदर की एंडोमेट्रियल लाइनिंग थिकनेस कैन बी अबनॉर्मल. बट क्या उसको मैम सही किया जा जस्ट सकता लेट है? मी जस्ट लेट ओके मी एड वन थिंग, अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर पीसीओएस, लाइक वी वर डिस्कसिंग, दीज पीसीओएस वुमेन व्हेन दे रीच 40+ एज, दे आर ऑल्सो एट देयर लाइक आई वुड से 2 to 3% चांस ऑफ देम डेवलपिंग यूट्राइन कैंसर्स ऑल्सो, बिकॉज ओके द जीन जो ये सब गड़बड़ कर रहा है, ये आगे चल के देयर अ कैंसर नोन एज सी एंडोमेट्रियम, उसकी भी प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है. तो हमें केयरफुल रहना है. सो वेन वी आर डायग्नोज विद समथिंग वी शुड बी केयरफुल एंड वी शुड कीप फॉलोइंग अप. इट्स अ वेरी लो परसेंटेज, 2 to 3%, बट यस वी शुड बी अवेयर. ओके तो मतलब आपका मानना ये कि अगर प्रेगनेंसी नहीं भी आप कर रहे हैं, यू नो यू आर लेट 30s और 40s में आप जा रहे हैं, अगर आप कंसीव नहीं भी कर रहे हैं, नहीं चाहते, बट यस आपको अपनी बॉडी के लिए थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा कि बॉडी गेट में योर क्या. सेल्फ चेक्ड, रूटीन चेकअप्स. हैव यू हर्ड ऑफ कैंसर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग? सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज फॉर ऑल ऑफ अस वुमेन. इट्स कॉल्ड एज पैप स्मियर, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी. इट्स अ साइटोलॉजी टेस्ट, बहुत सिंपल टेस्ट होता है, बट एवरी सेक्सुअली एक्टिव गर्ल शुड गेट पैप स्मियर डन, राइट? एंड अनदर गुड थिंग दैट वी शुड बी अवेयर नाउ डेज इज अ वैक्सीन. सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन भी आ गया है, जैसे हम ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, इन सबके लिए वैक्सीन लगाते हैं कि ना हो हमें. हम सारी गर्ल्स को पता होना चाहिए कि 12 ईयर्स की एज से वैक्सीन लगता है. तो ओके नाउ डेज इट्स बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इन द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑल्सो. बट जो हम लोग हैं जिनको पहले नहीं लगा जो वैक्सीन है कैंसर के वैक्सीन है, वी ऑल शुड गेट वैक्सीनेटेड. ओके मैम, इससे पहले कि इस पे हम बात करें मैम, मेरे जो दूसरा सवाल था उसके बारे में जरूर बताइएगा कि इज इट मतलब इज इट लॉजिकल कि जैसे मतलब आप नहीं आप सेक्चुअली एक्टिवेट मतलब अगर आप सेक्चुअली इन्वॉल्व एक्टिवली नहीं है तो भी यस क्या हमारा शरीर जो है वो मतलब कोई प्रॉब्लम या कोई इश्यूज वगैरह होने लग जाएंगे एक एज के नो बाद? नो नो कोई नो नहीं. सेक्सुअल नो सेक्सुअल बीइंग सेक्सुअली एक्टिव हैज एक्चुअली नो कनेक्शन टू योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ओके नहीं है. यस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द प्रोसेस. जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो तो ऑलरेडी फंक्शन कर ही रहा है. ओके We are getting the periods, हमारे lining shed हो रही है, eggs are getting formed, so everything is working in spite of not getting sexually active. तो sexual activeness and reproductive health एक साथ नहीं जाती. ओके ओके ठीक है If you are not sexually active, you can still be healthy, right? And ओके important thing is that if you are sexually active, then you need to be doubly sure of your health, because there will be various sexually transmitted infections plus करेक्ट कैंसर जो हम बात कर रहे हैं. ऑल दीज आर मोर कॉमन इन यू नो इन सेक्सुअली एक्टिव लेडीज. एंड वॉट करेक्ट इज इम्पॉर्टेंट दैट नाउ डेज बिकॉज वी आर सो मॉडर्न इन अ थॉट, सो मैरिज इज नॉट क्राइटेरिया एनी मोर फॉर बींग सेक्सुअली एक्टिव ऑल्सो. सो आई ऑलवेज यू नो आई डोंट वॉन्ट टू बी द मॉरल पुलिस हियर, बट आई ऑलवेज एडवाइज देम दैट बी सेफ, बी सेफ. ट्रू. या डोंट बी सॉरी, बी सेफ. सो एक्चुअली अनवॉन्टेड प्रेगनेंसीज is also important issue for all the working women, because we are modern, we like to have a good lifestyle, but sometimes we forget that unwanted pregnancy is a very simple but a very terrifying problem. So that's there. True. Sexually transmitted infections, diseases. So all these are aware. We should be aware that we should not be having any infection nor our sexual partner. So awareness is important. अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट एंड मैम इसके बारे में आई रियली वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज अक्सर मतलब मैंने भी जितने मतलब लाइक मेरे प्रोफेशन में मैंने जितने भी बहुत सारे मैं गायनेकोलॉजिस्ट से मिली हूँ, ऑब्वियसली वन ऑफ देम इज यू ऑल्सो. तो मैम कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम इस टॉपिक के बारे में जो आपने भी बात कही कि वेन अ सिंगल वुमेन नॉन मैरिड वुमेन इज इन्वॉल्व, मतलब अगर सेक्चुअली वो मतलब एक्टिव है तो कौन कौन सी चीजों का उसको ध्यान रखने की जरूरत है? क्योंकि अक्सर इस चीज में इतना मॉरल पुलिसिंग हो जाती है कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में तो बात ही नहीं होती.
एक्चुअली इसके बारे में इतना राइट ज्यादा ये हो जाता है कि आप गलत और सही और ये वो, इतना ज्यादा सोशली इतना ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है यस कि अनफॉर्चुनेटली जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, लाइक इम्पोर्टेंट मुद्दे से मेरा मतलब है कि किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए या किन किन चीजों को लेकर प्रिकॉशंस रखने चाहिए उस लड़की को, उन चीजों के बारे में तो बात ही नहीं होती है. तो यस आई रियली वॉन्ट टू टॉक एब्सोल्युटली अबाउट दिस. एब्सोल्युटली राइट. सो एक्चुअली थैंक्स टू यू फॉर स्टार्टिंग दिस गुड इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म. आई थिंक यहाँ पे हम हर तरह की बात कर सकते हैं. आई द हेजिटेशन शुड नॉट बी देयर. प्लस यस सोशल मोरल एंड मॉरल पुलिसिंग इज डेफिनेटली आई डोंट लाइक दिस वर्ड एट ऑल बिकॉज नोबडी हैज अ राइट टू इंटरफियर और यू नो टू डिटर्मिन हाउ अ पर्सन शुड लिव. बट हाउ एवर यू लिव बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ. Whatever actions you do, be responsible for them, right? So, सबसे important, I would say, all women, all girls, married and unmarried, everybody should be aware of their sexual health. सबसे पहले मैंने बोला ना, unwanted pregnancies is the most important factor. If you are in a relationship, if you are not planning for marriage and not planning for pregnancy further, then you don't want to get pregnant. So, इसमें सबसे important चीज़ है, you should be aware of your should I tell you about how what to do, what not to? Yes, ma'am, please. Okay. So you should be aware of your fertile period first of all. If you have regular cycles, then the mid 10 days of the cycle are the fertile time. The ovulation takes place at around 12th to 16th day of the cycle. So if that is your cycle, you should be aware that not to be together during that time, right? True, So जी. fertile time you should know. Then various contraceptives you should be aware कि क्या क्या use कर सकते हैं. Contraceptives male partner can be using. The various condoms available in the market, or if you want the ball to be in your court and you want to be in control of your own life, reproductive life, then you can be on various pills. Now there are pills in the market of various types, and you must have heard the emergency eye pill is very popular nowadays, but it is a big hazardous pill. It's not good at all. I always tell my patients, the girls, don't have these pills. This is a sign of recklessness. आप इतने reckless, आप इतने careless थे कि suddenly you realize that you've committed a mistake and now you're trying to correct it. उसमें क्या होता है? These pills which are available in the market have very high level of hormones. तो इतने high level of hormone आप ingest करते हो. Plus the failure rate is also very high. And sometimes girls forget. उनको क्या लगता है? They are effective. Many times they are effective. But what happens? That people think that if we take one eye pill in one cycle, it will protect us from all the acts. It's not so. That one pill is only, it's going to protect you from unwanted pregnancy only for that act which you have committed, only for that 72 hours. That's it. The next time again, you are using unprotected intercourse, again, the chances of pregnancy are there. Correct. It will be a big, big hazardous decision if you keep popping the eye pills. So don't do it. Don't touch your body because right now you're not realizing. Gradually later on, the hormonal imbalances will start. So a better method to actually be in control of your reproductive cycle is to go on oral pills. There are various oral pills which are available. Cyclical pills की बात कर रही हूँ मैं. Various low dose pills आ गई हैं आजकल, which if you take continuously daily, they have to be taken. And they will give 99% protection against unwanted pregnancies. Plus, they are also protective against cancers of the ovary. Plus, they will also reduce the chances of cancers of the uterus also. So, condoms are good. Oral contraceptive pills are very good. And earlier, there used to be a lot of taboo regarding the weight gain issues with the oral pills, but they are not there anymore. So, Okay. it's better to have a low dose pill daily than to keep popping the eye pill. Okay. Yeah, ठीक so these are various methods which can be used. Then there are other natural methods like coitus interruptus, and all these methods can also be used to reduce the chances of pregnancy. So, pregnancy was one issue. The other is the sexually transmitted infections. Various infections like herpes and chlamydia, gonorrhea, syphilis, HIV, hepatitis B, C also. So, these are all the infections which should be in your mind. Whenever you engage in sexual activity, तो because हाइजीन का ध्यान रखना जरूरी है मैम. yes, hygiene important is not only yours but also the male partner. See, the करेक्ट. male partner's semen is a big source of infection. There is a difference in the acidity and alkalinity. So what happens? The chances of infection keep increasing in the woman. And the sad part is that the male partner does not show symptoms. आदमियों में क्या होता है? Symptom नहीं आते. And ladies, whenever the infection transmits to them, they start ओ showing symptoms.
then they will have various problems of the uterus, the infections, the PIDs, the pelvic inflammation, diseases, all these things will start. So important is that both the partners maintain the hygiene. They should not be promiscuous. That means a monogamous relationship has a more chance of not transmitting infections because you're sure of your partner. But if a person is promiscuous, has multiple sexual partners, that woman or that man is at a greater chance for infections. We have seen that HIV, hepatitis, and even syphilis and all, these are more in those people who have multiple sexual partners. ओके सो जैसा मैम ने कहा तीन चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. सबसे पहले तो कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू आर इन्वॉल्व विद समवन. सो वन नंबर वन इज टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर टू इज जैसे मैम ने कहा कि पिल्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है. आप बिल्कुल पॉपअप करते रहे पिल्स, उस चीज का बहुत ध्यान रखना है. तीसरी चीज है हाइजीन, राइट मैम. अच्छा मैम एक और चीज, आपने पिल्स के बारे में बात की बिकॉज आई रिमेम्बर वन ऑफ माई फ्रेंड हैड दैट पिल. सो लाइक पिल के बाद बहुत मतलब बॉडी वीकनेस वगैरह, इज इट नॉर्मल टू हैव दोस? यू टॉकिंग अबाउट द आई पिल? यस आई पिल. सी आई टोल्ड यू आई पिल हैज इज एक्चुअली प्रोजेस्टेरोन. इट्स अ हार्मोन. इट्स लाइक अ इट्स अ लाइक 4 to 5 टैबलेट्स कंबाइंड. आप समझो द अमाउंट ऑफ हार्मोन इन दैट सिंगल टैबलेट इज वेरी हाई. सो वेन एवर द हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज गोइंग इन टू योर बॉडी देर विल बी साइड इफेक्ट्स. सो यस, experiencing some kind of bloating, heaviness, even dizziness, it is common. Okay. Another thing, ma'am, आपने hygiene की बात करी. There are so many products. अब तो मतलब women related इतने सारे products हैं. Actually, and see the issues. I mean, we are starting with one issue and we've popped up and talked about so many and there are more. I know, ma'am. So hygiene की जहाँ तक बात है, ma'am, there are so many products and I've seen women buying all those products. So like मतलब कई बार ये भी मैंने सुना है कि मतलब जैसे हाइजीन की हम बात कर रहे हैं, sometimes you know washing it with hot water is enough, or sometimes you know you need to buy all those hygiene वाला products. So ma'am, क्या चीज करना आप मतलब हमें प्रेफर करेंगे when we are talking about hygiene and yes, हम women sexual issues के बारे में बात कर रहे हैं, तो what would you suggest? Like, is it okay? मतलब गर्म पानी, warm water is enough? Yes, see, या फिर nowadays over the counter है these hygiene products are available. I know. Yeah, actually females of all ages, अलग अलग type के products आते हैं. If you see, most of them are they have passed all those qualifications for the health checkups and all. So actually, most of them are safe. I would not say that they are bad, but yes, how you use them is important. It has to be used in moderation. But actually, warm water or even normal water washing is enough. Is enough. In most of the cases, you do not require any kind of these fancy vaginal washes. So not required. Vaginal douches are absolutely banned. They should never be used. Douches are there which ladies do. They introduce the drugs into the vagina. This should not be done. This is an old practice they used to do, but not to be done now. These washes are there which can be used. I would say that daily washing just with soap, just with water is enough. Use of too much soap is also not good because the soap actually causes dryness and leads to change in the acidic environment. See, the body normal physiology is such that already the acid is secreted in the vagina. It is already around 5.3. The pH is very acidic of the vagina. It's so that the normal pathogens and the bacteria are not able to survive in the vagina. So this is a natural method of defense in the body. So, but if we keep applying a lot of soaps or these lot of products, then the acidic media may change and then we may suffer from more infections. So firstly, washing with water is enough. How you wash is important. Always wash from front to back, never from back to front. So the anal area, the place, the fecal matter is there. So if you wash, all the young girls also, little girls, we keep seeing they have a lot of infections, UTIs. So we tell them because they have been washing in the wrong direction. They wash from back to front. And all the infection from the fecal matter, it comes from the vagina and the urethra, the urine. Oh. So always wash with normal water front to back. That is front to back. Okay. During your periods, your hygiene should be better. So during your periods, if there's too much foul smell in spite of washing with water, then you can use the various washes which are available in the market. It should be acidic media wash that should be checked.
Secondly, how frequently are you changing your pads? That is also important. If you are, yes, if you are using dirty pads for a long period of time, you know, the blood is an important culture for important source of infection. So all the bacteria will start affecting your vulvar area, and gradually the infection will ascend up into the uterus. So frequent changing of dirty pads is important. What kind of pads you are using? Too much of plastic and nylon pads is again bad because the airflow cannot come. So it should be mainly cotton based. Nowadays, various important things are, various new things are there in the market. Yes, yes, ma'am. Silicone cups and all are available. Ma'am, मैं वही वही पूछना चाह रही थी. Yes, sir, they are very good. वही मैम मैं actually कि जैसे there are cups also, there are tampons also, there are pads also, and there are some cloth pads also जो market में मिल रही हैं. New ones, new ones. NGOs भी इस पे काम कर रहे हैं. Yeah, yeah. Like I really want to ask you about this, कि कौन से safe है, मतलब is it safe? It's your personal choice. Okay. It's your personal choice, and most of them are all safe. It's your personal choice. Okay. Sometimes, see, using a tampon or using a silicone cup is an invasive thing. You are introducing something into the vagina, and everybody is not comfortable with it. True. Yeah, the hesitation is there, and you've not done something like that ever. So for those girls who are actually not sexually active, have never done something like that, for them the pads are good. But you use proper pads. Even the cloth pads are not bad. They are good. Even in that, they are economical. The money is very low. The very, very, yeah, very good. Now, market mein ma'am, bahut sare pads. Yes, yes. Bahut sare har range ke pads. It's good. It's good. You know, use them, but use them wisely. Use them judiciously. Keep changing them. Then, if you are very, very comfortable with yourself, then tampons is an excellent choice. It gives you freedom during various other sports, even during periods. You can also go for swimming and other activities. But ma'am, is it normal to have little bit of pain while using tampons? It's just the introduction. Okay. And just the, you know, getting used to it. It's okay. Just getting used to it. Then the new silicone cups we were talking about, these are also new in the market and very, very good. The best part about it is that the economics, one cup can be used again and again. You keep using, it's made of silicone. It has to be introduced into the vagina. The sizes are different. If a woman has already given birth, it will be different. If a woman has never given birth, then it will be a smaller size. So you keep changing, and they're good. So it depends on your personal choice. But yeah, most of them are safe, I would say. Ma'am, do cheezon ke bare mein aur main baat karna chahungi. Sabse pehli baat to matlab kyunki ye cheez, I'm sure aapne bhi ye cheez dekhi hogi, kya ki ma'am, is it मतलब जो स्ट्रेस के साथ जो औरतों का शरीर है या हमारी बॉडी है या हमारे हेल्थ इश्यूज है, हाउ मच इट इज कनेक्टेड, मतलब इज इट राइट टू से कि अगर हमें स्ट्रेस है, स्पेशली औरतों को, मतलब आदमियों का शरीर जो है, उनकी बॉडी है वो अलग तरह से काम करती है, औरतों की अलग तरह से काम करती है, तो मैम स्ट्रेस की वजह से कौन कौन से ऐसे हेल्थ इश्यूज है जो हो जाते हैं, और मतलब हमें समझना चाहिए वहां पे कि यू नो स्ट्रेस लेवल ज्यादा हो रहा है, इस वजह से ये हेल्थ इश्यूज हमें हो रहे हैं. स्ट्रेस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर आवर हेल्थ, फॉर हेल्थ ऑफ एवरी वुमन. स्ट्रेस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज स्ट्रेस नहीं होना चाहिए. जब स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है लाइफ में, सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस इज एक्चुअली अ मेंटल प्रॉब्लम, यू नो, सो वेरियस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कैन ऑल्सो अराइज. If a person is under too much stress, सबसे पहले तो उसको anxiety disorders शुरू जाते हैं. Patient can start, the person can start behaving irrationally. उसको sudden anxiety हो जाता है, phobias हो जाते हैं लोगों को, delusions हो जाते हैं sometimes, you know. So these weird kind of problems are there. Then the insomnia हो जाता है, anxiety, insomnia. They are not able to sleep. वो कहते हैं कि हम सो ही नहीं पाते, हमें नींद नहीं आती. These are all periods में irregularity भी हो जाती. So this is first I was talking about the psychological effects, but gradually these problems become psychosomatic. हम उनको कहते हैं, जितना हमारा mental stress होता है, it starts showing on our body. हमारे सबसे पहले periods irregular हो जाते हैं. Sometimes इतने irregular हो जाएंगे, they will start skipping. Skipping, correct. ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको PCOS नहीं है, आपको थायराइड नहीं है, कुछ नहीं है आपको, आपने सब टेस्ट करा लिए. मैम मुझे लगता है हम में से सभी की लड़कियों ने अपनी लाइफ में ये चीज एक बार तो हम सबने फेस की है कि सडनली यू नो आपने स्किप कर दिया एंड यू फील लाइक यू नो नथिंग हैज हैपेंड, कुछ भी, मतलब आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं थे, कुछ नहीं थे, बट स्टिल मतलब यू जस्ट स्किप इट, और तब समझ में आता है कि स्ट्रेस की वजह से. स्ट्रेस, यू नो, स्ट्रेस कैन बी एक्चुअली इन वेरियस फॉर्म्स. लाइक एक तो है कि हाँ, हम है जैसे प्रोफेशनल्स हैं, कोई हमें इमोशनल
कोई हमारा रिलेशनशिप स्ट्रेस है या प्रोफेशनल स्ट्रेस है, इवन यंग गर्ल्स गोइंग टू स्कूल, इफ देयर इज अ एग्जाम यू विल सी द स्ट्रेस इज सो हाई, उनके पीरियड्स स्किप होने लगेंगे, उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे. सो दिस इज देयर समटाइम्स अ फिजिकल एक्टिविटी, कभी कभी इफ देयर हैज बीन अ लाइक अ ग्रेट स्पर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, सडनली फिजिकल स्ट्रेस शुरू हो गया इतना ज्यादा कि हमने सडन रनिंग शुरू कर दी है, शुरू कर दिया, इवन देन द पीरियड्स आर गेटिंग मिस्ड. सो स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा स्ट्रेस कैन ऑल्सो लीड टू इमोशनल स्ट्रेस ईटिंग. एक तो हमने पीरियड की बात करी, उसके बाद स्ट्रेस ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं लोगों को, तो उसमें स्ट्रेस ईटिंग शुरू हो जाती है, व्हिच कैन बी, मैम वी डोंट रियलाइज दिस, दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग. यस इट इज अ सीरियस मैटर, स्ट्रेस ईटिंग इज अ सीरियस मैटर, एंग्जायटी डिसऑर्डर हो जाता है, एंड देन पीपल डेवलप अदर प्रॉब्लम्स, बिकॉज यू नो वन प्रॉब्लम अट्रैक्ट्स अदर प्रॉब्लम्स, ग्रेजुअली दे गो इन टू द स्टेट ऑफ द डायबिटीज, some develop hypothyroidism, because then they become, you know, when stress falls on your body, then you start getting, you know, you start just shutting yourself from the whole world sometimes. Ma'am, kya hormonal imbalance bhi ho jata hai stress ki wajah se? Bahut, very common. Jo main bata rahi hu, period skip hona, ye skip isliye ho raha hai, because your hormones are getting totally wired. Oh. Totally shortcut, sara ho gaya, short circuit ho gaya, because of stress. So that's why I said stress, reduction of stress is very important. And so all the ladies listening, please is cheez ko bahut seriously lo, really practice relaxation techniques like stress, like yoga, meditation, and actually talking to friends. It's a very big stress buster. If you speak out your problems to somebody who you are close to, you know, it's very important. Like this kind of platform, if you had many people with you talking on these factors, so sometimes, you know, their stress reduces. If they come out with the problems, their stress reduces. So yes, stress is important. Yes, it's very very important ke hum khul kar baat kare, especially bahut khul ke baat kare. Koi bhi issue hai aapke paas, aajkal bahut sare options hai jinke paas aap ja sakte ho, wo gynecologist ho, psychologist ho, psychiatrist ho, bahut sare issues hai jin par hum, jinse hum khul ke baat kar sakte hai. Ma'am aapne beech mein cervical cancer ke bare mein baat kiya tha, so yes. we have a little time yahan par, hamare paas kam time bach gaya hai. सर्वाइकल कैंसर, सी विमेन आर सफरिंग फ्रॉम मेजरली टू कैंसर्स दैट वी आर मोस्ट केयर्ड ऑफ इन विमेन आर यूट्राइन कैंसर्स, कैंसर ऑफ द यूट्रस एंड ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट कैंसर. और यूट्रस में भी एक जो यूट्रस का पार्ट होता है लोअर यूट्रस, जिसको हम कहते हैं सर्विक्स, उसका नाम सर्विक्स होता है, तो उसको सर्वाइकल कैंसर्स कहते हैं. बहुत सारी बॉडी में कैंसर्स ऐसे भी हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं कर सकते हम, या हमें बाद में पता चलता है, बट लकीली जो सर्वाइकल कैंसर्स होते हैं, जो यूट्रस के कैंसर्स होते हैं, दे आर वेरी इजी टू डायग्नोस. तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे स्क्रीनिंग मेथड्स हैं. हम लोग जो हम बहुत कैंप्स लगाते हैं, यू नो आई माई सेल्फ एम इन्वॉल्व इन वेरियस सोशल एक्टिविटीज ऑल्सो. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्री कैंप्स लगाते हैं स्क्रीनिंग के लिए. तो जब हम सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करते हैं, उसका ये मतलब होता है कि हम उन लेडीज में स्क्रीन कर रहे हैं जिनमें सिम्टम नहीं है. देखिए आपको सिम्टम आने लगते हैं, सिम्टम का मतलब है कि ब्लडी, फाउल स्मेलिंग, पस डिस्चार्ज होना वजाइना से. अगर कोई ऐसे सिम्टम आने लगते हैं, मतलब कि ऑलरेडी बीमारी हो गई है. एक्चुअल हमारी जो हमारा जो विक्ट्री हम तब कहेंगे अगर हमने होने से पहले उसको डिटेक्ट कर लिया, डिटेक्ट कर लिया. स्क्रीनिंग, तो स्क्रीनिंग हम कहते हैं एवरी सेक्सुअली एक्टिव लेडी शुड गेट स्क्रीन्ड. स्क्रीन का मतलब है बीमारी होने से पहले उसका पता करा. तो उसमें दीज आर सिंपल मेथड्स लाइक पैप्समियर. पैप्समियर इज अ वेरी वेरी सिंपल टेक्निक. उसमें क्या होता है, सर्विक्स जो यूट्रस का माउथ होता है, उसका सिर्फ जो पानी है, उसका जो ऊपर सुपरफिशियल पानी है, सिर्फ उसको एक लेके हम स्लाइड बनाते हैं. वी स्टडी द स्लाइड. सो दीज आर सुपरफिशियल सेल्स. देयर इज नो कटिंग, देयर इज नो ब्लीडिंग, देयर इज नो पेन. It's a totally painless procedure. Takes 5 minutes. कोई blood नहीं निकाला जा रहा, उसकी test nothing, no cutting. लोगों को लगता है कि पता नहीं कुछ कट करेंगे अंदर से पैप्स में. Nothing. It's a totally safe OPD procedure. आओ कराओ जाओ खुश होके. And the report comes in 2 to 3 days and will give you a very good idea of what is happening. So if it's just normal infection or normal cells are there, you needn't be scared that you don't have cervical cancer, right? And if cancers are not there, and if you are sexually active, then, and if you have not vaccinated yourself, cancer prevention ke vaccines hain hamare paas ab available. Aur jab koi cheez available hai, toh why not make use of it? So that we are protected from cancers. Ma'am, aapne kaun se vaccine ka naam bataya?
there are various vaccines available in the market. Currently in India, we have two. One is Gardasil and one is Cervarix. So इनके अलग अलग अपने indications हैं and usually the जो schedule होता है injection का, तीन injections का schedule होता है. एक stat dose और एक 1 year, 1 month और एक 6 month. और जो दूसरा Gardasil है उसका 0, 2 months and 6 months होता है. So these are all schedules, मतलब तीन अगर आपने लगा ली dose, so 20 years का protection होता है. Okay. Yes, so it is very good and important. लेकिन ये भी है कि आपको अपना screening कराते रहना है every 3 years. आपको screening भी कराते रहना है pap smear, right? So it's important to be aware of cervical cancer screening. And is breast cancer, even that we should be aware of. इसमें अगर हम देखें तो screening is all the all बहुत easy है. Even cervical cancer is easy है क्योंकि आप self examination कर सकते हो. Examination कर सकते हो, correct. So at home, in front of the mirror, you can just do your self-examination of the breast in a circular manner. Andar se bahar tak jaiye, dheere dheere palpate kariye. Koi lump, koi gaant to mehsoos nahi ho rahi. Agar koi bhi suspicious gaant mehsoos ho rahi hai, aapko lag raha hai skin change ho rahi hai, nipple in andar ko ja raha hai, ya uska direction badal raha hai, aisa koi bhi problem hai, to aap aaiye aur apna check-up karaiye. Because choti moti gaant hai, to aapko khud hi pata chal jayegi. Khud pata chal jayegi, correct, correct. Kehte hain ki after 40 years mammography honi chahiye, jaise hum cervical cancer ki screening keh rahe hain. रूटीन मैमोग्राफी, मैमोग्राफी इज अ टेस्ट फॉर ब्रेस्ट कैंसर्स एंड बात तो रूटीनली होनी चाहिए. लेकिन अगर कोई भी आपको गांठ या कोई भी लंप कुछ भी आपको महसूस हो रहा है तो आप आके उसका चेकअप कराइए, चेकअप करा सकते हैं. जी थैंक यू सो सो मच मैम फॉर टॉकिंग टू अस. और मैं आई रियली वांट टू मेंशन हियर कि कई बार ऐसा होता है कि गायनोकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो खुद इतनी ज्यादा मॉरल पॉलिसिंग कर देते हैं कि लड़कियां जाती हैं उनके पास, वो इतना डर जाती है, उनको लगता है कि पता नहीं ऐसा कौन सा हमने पाप सा कर लिया है जो हम यहाँ पर आ गए. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइक डॉक्टर विदुषी सेड कि आपको मतलब एक सही गायनोकोलॉजिस्ट को चुनना अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है. इट इज एज डिफिकल्ट एज फाइंडिंग अ राइट पार्टनर फॉर यू. Actually, yes, yes. I think gynecologist can be your very good friend. I know, ma'am. Isliye myself have a very, very good relationship with many of my clients. I would call them actually clients. They are not even patients sometimes because they are not suffering from many diseases. They are usually very eager to know about their health problems, awareness. So we keep having chats and we keep. And that's so important, ma'am. मैंने यही चीज देखी है कि and judgment free. बहुत जरूरी है मैम, बहुत ज्यादा, क्योंकि विमेन वैसे भी हमारे थोड़े सोशल ऑकवर्डनेस की वजह से लड़कियां अपने शरीर को कम जानती है. आदमी जब when यू आर इन्वॉल्व विद अ मैन, देन यू गेट टू नो दैट दे नो मोर अबाउट योर बॉडी. वो आपकी बॉडी के बारे में ज्यादा जानते हैं, आप खुद अपनी बॉडी के बारे में नहीं जानते. एज सो वी नीड टू वेक अप. यस यस यस, सो वी नीड टू वेक अप, गेट स्मार्ट, be in control, take care of your own health, be aware, be smart, live your life happily but with full responsibility, with full responsibility. And khud aware rahe apni body ko lekar, please don't be awkward with your body. aap apne hi sharir ko lekar awkward honge, so it will be very very difficult ki apne sharir ko aap sahi rakh paaye. So isliye wo sexual hygiene ho, apni body ka dhyan rakhna ho, aware rehna ho apni body ko lekar, please aap rahe. Thank you so so much Dr. Vidushi humse baat karne ke liye. It was a great great thank session you. With you and I'm sure jitne log ye video dekh rahe hain ya dekhenge, I'm sure unko ek acha experience hoga, wo cheez समझ पाएंगे और खुल के बात कर पाएंगे. जो भी हमने आज बात की, हमारी कोशिश यही थी कि हम अपफ्रंट होकर उस चीज के बारे में बात कर पाएं, क्योंकि अगर मैं और विदुषी मैम यही ऑकवर्ड होंगे तो फिर सुनने वाला भी ऑकवर्ड होगा. एब्सोल्युटली. सो इट्स मतलब हमारी तरफ से ये कोशिश थी कि हम इस चीज पर खुल के बात करें ताकि आप भी खुल के सोच पाए और उस ओपन थिंकिंग को और ज्यादा स्प्रेड कर पाए. थैंक यू सो मच विदुषी मैम. थैंक यू मैम. आई वुड से एट द एंड, shed the shame, control the game. That's great, ma'am. Shed the shame and control the game. Okay, so all the ladies, you have your mantra for today. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you, everyone. Goodbye. And अगले वेबिनार में मिलेंगे. Thank you so much. Thank you, ma'am.